अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खलीलुज्जमान आप तमाम का सीएनआई न्यूज में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बोलेंगे राक्षस, बोलेंगे उसको टेररिस्ट, बोलेंगे असैसिन बोलेंगे, जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोली चलाई, जो कॉन्स्पिरेटर है, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूव हो गया कि वो भी कॉन्स्पिरेटर, उनको क्या बोलेंगे आप? उनको महान आदमी बोलेंगे या नीच बोलेंगे? उनको टेररिस्ट बोलना पड़ेगा, टेररिस्ट है। लेकिन ये कहा गया था वहाँ पे जहाँ पे मुसलमान वहाँ पे ज्यादा थे और ये प्रचार करने गए थे, तो अपीजमेंट नहीं नहीं वो सब मेरे को नहीं मालूम। मैं आप इतना ये कह सकता हूँ कि जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी और जिनको सजा हुई और कपूर कमीशन में जिन पर कॉन्स्पिरेसी का एंगल साबित हुआ, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। जो उसने बापू को मारा उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनको क्या भूल बनाएंगे? तो अभी बोल रहे सर 1948 में हुआ, तो अभी उसको टेररिस्ट अभी को? अरे फादर ऑफ द नेशन की असैसिनेशन को आप भूल जाएंगे क्या? आप भूल जाएंगे तो इसका मतलब आपके दिल में महात्मा गांधी से मोहब्बत? हाँ, तब से ही बोल रहे, तब से ही बोल रहे। जो भी मारा, जिन पर सजा हुई, रेड फोर्ट के अंदर जिस पर केस चला, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। ये बात पीरियड, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। इनको आप कोई महात्मा नहीं बोल सकते। जो गोली मारे उनको क्या बोलेंगे? फादर ऑफ द नेशन को? इलेक्शन के पीरियड में ही ये भुनाना हिंदू टेररिस्ट का जो ये वर्ड वो आप उनसे। लेकिन लेकिन सर, जब मोदी जी ये कहते हैं कि उन्होंने INS विराट को राजीव गांधी ने टैक्सी की तरह यूज किया, तो ये तर्क दिया जाता है कि इतने साल बाद क्यों आपको याद आ गया, तो वो लॉजिक इस पर लागू नहीं होता क्या? देखिए, INS विराट में तो वो जो कैनेडियन सिटीजन है, जिसने मोदी का इंटरव्यू लिया था, जिसने आपके चैनल ने और उन्होंने चलाया था आप लोगों ने कि आप आम भी खाते हैं, वो कैनेडियन सिटीजन भी तो शिप पर गया था। वो क्या था, वो क्यों गया था? कैनेडियन सिटीजन चला गया भाई, अब बताइए उस पर नहीं बोलेंगे? सर, ये इंटॉलरेंस की बात कई सालों से हो रही है। अब कल ही ममता बनर्जी को एक उनका मेम बनाया गया और एक महिला को जो कि एक पार्टी की लीडर है उनको 14 दिन की जेल भी रिमांड किया गया, तो ये कहाँ का टॉलरेंस हुआ सर? क्या केरला में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर फेसबुक पर अगर किसी ने मोदी के खिलाफ लिखा तो जेल को नहीं भेजा उनको? नहीं भेजा आप? बाल ठाकरे की मौत के बाद किसी ने लिखा तो उनको क्या किया था? ये एक बात, ये तो एक कानून बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि भाई उनको माफ़ी भी जाने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उस लड़की से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको छोड़ भी दो और अपोलोजाइज करो, ठीक है मामला खत्म। सर, ये रेप के केसेस 3 आए हापुर कश्मीर में और अलवर में, तो कितना सीरियस ये मामला होता जा रहा है? नहीं, अलवर पे तो मोदी साहब को बादल नजर आ गए, हापुर में उनको राडार नजर नहीं आया, गुजरात में उनको बटवा नजर नहीं आता है, गुजरात में दलितों की जो शादी की बारात थी रोक कर उनको पीटा गया, मारा गया, किसी एक शादी दलित एक दूल्हा अगर किसी मंदिर में गया तो मंदिर पे हमला हुआ। तो हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको जहाँ पर सेलेक्टिव नज़र आता है वहाँ रडार नज़र आता है आपको पॉलिटिकल, और जहाँ पर आपकी कमजोरी दिखती है आपको बादल नज़र आती है, और फिर जहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आता है वहाँ बटवा नज़र आता है आपको। तो ये पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो बादल रडार और बटवा की पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। हापुर के बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए, उन्हीं की सरकार है, जो उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है, जो कहता है कि मैं बजरंग बली का नाम लूँगा, किसी और का नहीं लूँगा, तो फिर हापुर में बच्ची का नाम क्या है? फिर वो जाए, चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आता उस बच्ची के पास जिसने अपने आप को जला कर कहा कि अब तो मेरा कोई बलात्कार नहीं कहेगा? तो हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी बादल और रडार को छोड़कर उस बच्ची हापुर की बात करेंगे। सर, कल KCR सैलिम के साथ मिले, लेकिन वहाँ पर कुछ साफ नहीं हो पाया, ये भी कहा? नहीं, बादल बिल्कुल साफ है। कहाँ पर? बादल बिल्कुल साफ है, फेडरल फ्रंट के लिए बादल बिल्कुल साफ है, KCR का पॉलिटिकल रडार टारगेट पर है, और इंशाल्लाह ताला बराबर सब चीज़ सही होगी। एक स्टार्ट उन्होंने लिया है, ये
उन लोगों के लिए जवाब है जो केसीआर के सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल कर रहे थे, वो जाकर पिनरी विजयन से मिले, वो जाकर कल डीएमके के सबसे बड़े लीडर स्टालिन से मुलाकात की, बराबर सही काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है डीएमके के सूत्रों द्वारा कि स्टालिन ने कहा है कि वो कांग्रेस के महागठबंधन में आ जाए। अरे भाई 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मालूम हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। मगर केसीआर की कोशिश ये काबिले मुबारकबाद है और ये बताता है कि उनकी पॉलिटिकल सेगेसिटी को, उनके पॉलिटिकल विजन को, जो कल तक फेडरल फ्रंट के बारे में लोग समझ नहीं रहे थे, आज सब समझ रहे हैं और उसको ये मान रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव है और यही देश के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर कुछ लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये फेडरल फ्रंट कुछ नहीं है, ये महागठबंधन की हवा निकालने के लिए मोदी के पक्ष में किया गया एक्ट है। अब देखिए ना, ये जो जहनीत के लोग हैं ये भूल जाते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को किसने हराया। 5 से 1 एमएलए हो गए, 100 असेंबली सीट पर उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। अब पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो उसमें भी बीजेपी का 1 MP नहीं आएगा सिकंदराबाद से, तो किसने किया। ये जो जहनीत है ना, ये जो सोच है, ये बड़ी एरोगेंट सोच है। एक शख्स कह रहा है कि मैं एक फेडरल फ्रंट चाहता हूँ जो जिसमें बीजेपी नहीं रहेगी, जिसमें कांग्रेस नहीं रहेगी, और ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीनन रीजनल पार्टीज़ के पास एक बहुत बड़ा नंबर होगा और मैं अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से, साल से कह रहा हूँ कि बगैर रीजनल पार्टीज़ के कोई सरकार नहीं बना पाएगी।